दक्षिण अफ्रीका में आए कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर मध्य प्रदेश सरकार अलर्ट हो गई है, जिसके चलते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वैक्सीनेशन सहित सावधानी बरतने की अपील की है। वहीं सीएम के आदेश के बाद ग्वालियर जिले के भितरवार प्रशासन के अधिकारी डोर टू डोर पहुंचे, जहां दुकानदारों से वैक्सीनेशन के साथ कोरोना गाइडलाइन के पालन की अपील की। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के दृष्टिगत और जिले के नागरिकों को वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक करने के लिए ग्वालियर जिले के भितरवार में एसडीएम अश्विनी कुमार रावत के मार्गदर्शन में प्रशासनिक अमले ने वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत बुधवार को शहर के करेरा तिराहे से होते हुए मेन बाजार तक राइट व लेफ्ट साइड में बाजारों की दुकानों पर जाकर दस्तक दी, जहां उन्होंने दुकानों पर काम करने वाले नागरिकों से वैक्सीनेशन के संबंध में जानकारी ली। साथ ही वैक्सीनेटेड हुए व्यक्तियों के सर्टिफिकेट देखे। जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई थी उन्हें मौके पर ही कोरोना का टीका लगाया गया। आज जो है 1 दिसंबर के वैक्सीनेशन महाअभियान में लोगों को जागरूक करने के लिए रैली निकाली जा रही है, और इसके साथ में हमने एक वैक्सीनेशन की टीम भी रखी हुई है। यदि कोई आदमी को वैक्सीन नहीं लगी हुई है तो स्पॉट पर ही वैक्सीन लगाई जा रही है, और ये काम जो है लगातार चलता रहेगा। आज जो है 4 वार्ड चिन्हित किए गए हैं, और 9 और 10 वार्ड में हम लोग घर घर जाकर एक कुंडी खटकाएंगे और भ्रमण करेंगे। इसके अलावा सर और कोई एक्टिविटी वैक्सीनेशन की जा रही है? हाँ, गाँव में भी हम जो है ये इसी तरह की रैलियाँ निकाल रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं, और फिर जो है उसके बाद भी अगर लोग नहीं आते तो घर घर जाकर के कुंडी खटका करके एक एक आदमी का जो वेरिफिकेशन करेंगे और उनको वैक्सीन लगाएंगे। भितरवार ब्लॉक में अभी आज जो है 39 सेंटर हमारे बनाए हुए हैं, और जो है उसमें हमारा 8,000 का लक्ष्य हमने रखा है। भितरवार से संभागीय हेड इमरान खान की रिपोर्ट।